देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा खासा परेशानी मिडिल फैमिली वालों को हो रही है। अभी मैं इस वक्त देवघर के ऐसे ही पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लोग पेट्रोल ले रहे हैं दो पहिया वाहनों में और मीटर आप देख पा रहे हैं जो पेट्रोल दे रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि लॉकडाउन में भी लोग ज़रूरत के मुताबिक घर से बाहर निकल रहे हैं और उसके हिसाब से वो अपना आवश्यक कामों को पूरा कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं जो पेट्रोल भरवा रहे हैं। पेट्रोल डीजल जो है महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जनता का गरीब लोगों को सब मार रहे, कम करना चाहिए पेट्रोल का दाम, डीजल का घटाना चाहिए थोड़ा। और महामारी के चलते और भी लोगों को परेशानी हो रही है ज़्यादा। केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? कम कीजिए पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, और क्या कहेंगे। आप क्या करते हैं? हम अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, कौन से क्लास में? अभी बीए में। बीए में, तो आप कितना अभी पेट्रोल भरवा? अभी 80 रुपया भर लो है। और पहले कितना भरवाते? पहले 150, 200, 250। और अभी कमी हो गई है? अभी थोड़ा कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं और अभी जो है पेट्रोल 80 रुपये का भरवाएं, पहले 200-250 रुपये का भरवाते थे। पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रहा, फिर भी ज़रूरत है तो भरवाना पड़ रहा है। बताइए क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार दुबे है। पेट्रोल डीजल जो है महंगा हो गया है तो इसका असर सभी पर पड़ रहा है, खासकर मिडिल फैमिली वाले, मिडिल क्लास के फैमिली के ऊपर तो इसका तो बहुत गहरा असर पड़ा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट के कारण। तो इसको कैसे कम किया जाए, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि कुछ इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल डीजल का रेट हो गया है जिस कारण से मिडिल फैमिली को कहीं आने जाने के लिए सोचना पड़ जाता है कि कैसे क्या उसको अरेंज करें। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम यह संचालक हैं। संचालक, क्या नाम है? राजेश कुमार दुबे। राजेश कुमार दुबे। अच्छा, कहता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में जो रॉ मटेरियल है इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम है, लेकिन देश में लगातार रेट बढ़ रहा है। वो तो है, रेट तो बढ़ रहा है, वो केंद्र सरकार की बात है, उन लोगों का क्या फंडा है नहीं है। लॉकडाउन में खासा परेशानी हो, बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं परेशानी तो है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है वो अपने मन मुताबिक वो ये करवा भी रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव कुमार। अच्छा, पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी हुई है, डीजल में, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो दिक्कत की बात है ही, ज़्यादा बढ़ोतरी होने से आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी, उसके बाद उसी पर सब रेट निर्भर है तो वो रेट भी बढ़ जाएगा तो आदमी को तो दिक्कत है ही। पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ते हैं ये केंद्र सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, तो केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार से ज़्यादा कुछ मांग नहीं करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि ये कोविड काल को देखते हुए केंद्र सरकार का भी पक्ष मजबूत ही है कि मजबूरी है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना, क्योंकि इसी से ज़्यादा रेवेन्यू उनको जाता है। तो इसलिए जहाँ तक हो केंद्र सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए, हम पब्लिक के लिए भी थोड़ा सा राहत देना। आप क्या करते हैं जी? आप क्या करते क्या? बिजनेस करते हैं। बिजनेस जी। तो आप, इनका मानना है कि केंद्र सरकार का भी सहयोग करना चाहिए इसमें, चूँकि रेवेन्यू जनरेट इस लॉकडाउन में कैसे होगा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। देवघर से लगातार .in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।